जय हिंद बेटा। जय हिंद सर। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, यानी वृत्तीय गति पढ़ेंगे। देखो, सर्कुलर मोशन हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक बेसिक चीज ये है कि सर्कुलर मोशन बहुत से बच्चे टफ मानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है रोटेशन मोशन का, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति। तो इसको पढ़ने के लिए बेसिक हमें तीन चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। अभी मैं बात करेंगे हम लोग बेसिक का, कि इसको पढ़ने के लिए क्या चीज़ें हमें पहले अच्छे से पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बहुत ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक है ये, और ये सर्कुलर मोशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें कोणीय विस्थापन को समझना है तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा पेंडुलम है, एक सरल लोलक मैं ले रहा हूँ। थोड़ी देर में अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दूँ तो ये लोलक यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बना दिया, मान लिया मैंने थीटा वन बना दिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनाया, थीटा टू बनाया। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझे कोणीय विस्थापन बताना है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जो हमने विस्थापन पढ़ा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो करते थे। यहाँ पे किसकी बात करनी है हमें, कोण की बात करनी है। तो क्या करेंगे, फाइनल कोण माइनस इनिशियल कोण। तो क्या देखो, फाइनल तो यहाँ पर है, इनिशियल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, तो ये कोण कितना आएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय विस्थापन, यानी डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करेंगे इसको, और डेल्टा थीटा बराबर होगा थीटा टू माइनस थीटा वन। ये सबसे पहला बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए कोणीय विस्थापन को लेकर, कि फाइनल कोण और अंतिम कोण के बीच में क्या कर देंगे, हम माइनस लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कोणीय विस्थापन बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन का, जो हमारा अगला टर्म आता है बेटा वो आता है कोणीय वेग आता है। कोणीय वेग, इसको थोड़ा सा रिलेट करिए, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। देखो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या था हमारा, वेग की अगर हम बात करें, सिंपल से वेग की बात करें, वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग हमें बोलते हैं लीनियर मोशन में, क्या बोलते हैं वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कोणीय वेग की बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम कोणीय वेग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बटे समय। किसकी बात करेंगे, कोणीय विस्थापन बटे समय की। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, इट रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। तो इसका डेफिनेशन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या बात समझ में आया। इसको अगर हम किताबी भाषा में अगर प्रदर्शित करें तो किताबी लैंग्वेज हमसे ये कहती है कि एकांक समय में किया गया कोणीय विस्थापन ही कोणीय वेग कहलाता है। एकांक समय में मतलब टाइम कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर ये वन हो जाएगा बेटा तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के। यानी यूनिट टाइम में किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के। यहाँ तक बात क्लियर होती है, ये बात समझ में आ रहा है कि एकांक समय में किया गया कोणीय विस्थापन ही क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। क्लियर यहाँ तक, सिंपल सी डेफिनेशन है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें टर्म समझ में आना चाहिए, जैसे हम लीनियर मोशन में सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, फिर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगला टर्म हमारे पास क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। और यहाँ रोटेशन में बात कर रहे हैं तो इसका नाम लिखेंगे कोणीय त्वरण, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। चलो इसको भी डिफाइन करेंगे हम लोग, एंगुलर एक्सीलरेशन, सुनते जाइएगा भैया। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है तो त्वरण की परिभाषा क्या थी, एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या थी, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यही कहा था, वेग के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अगर वेग के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष त्वरण कहलाती है तो हम उसको त्वरण बोलते हो, रेखीय त्वरण, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन। कोई बॉडी रोड में चल रही, साइकिल रोड पे चल रही, कार रोड पे चल रही है, तो जो वहां पे त्वरण लग रहा है वो रेखीय त्वरण है। यहाँ पे कौन सा त्वरण आएगा, घूमने वाला, रोटेशन है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? बात क्लियर है यहां तक? यानी कोणीय वेग के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या कहलाती है? कोणीय त्वरण कहलाती है। तो इसका मतलब कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं इट रिप्रेजेंट बाय अल्फा। अब सुनिएगा ध्यान से, इट रिप्रेजेंट बाय अल्फा, कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी वेलोसिटी? लीनियर के एंगुलर, लीनियर के एंगुलर। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आ गया डी ओमेगा, किसके रिस्पेक्ट में? तो अल्फा बराबर क्या आ गया यहाँ पे? डी ओमेगा बाय डीटी। क्या बात समझ में आती है? तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डीटी आ गया। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, आपने सीधा सीधा ये पढ़ रखा है लीनियर मोशन में कि v बराबर क्या होता है? dx बाय dt पढ़ा है। a बराबर क्या पढ़ा है? dv बाय dt। और एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, v की जगह dx बाय dt रखो तो क्या आता है? d2x बाय dt स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला पढ़ा, a बराबर क्या होता है? v इंटू dv बाय dx। ये कब, ये तीनों फॉर्मूले कब लगाते हैं हम लोग? जब लीनियर मोशन होता है, रेखीय गति होती है, ये लीनियर मोशन के लिए वाले फॉर्मूले सूत्र अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर इसके लिए अप्लाई ये करेंगे तो अगर कोई भी बॉडी रोटेशन कर रही होगी तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ओमेगा, वी की जगह क्या लिख दो? ओमेगा लिख दो। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो रहा है? थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? ओमेगा बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। डिस्प्लेसमेंट इसमें थीटा हो गया ना, डी थीटा बाय डी टी। चलो अल्फा का पहला फॉर्मूला बोलो, अल्फा बराबर क्या बोलोगे? डी ओमेगा बाय, अल्फा बराबर क्या आएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या बोलोगे बोलो? डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर आएगा। चलो एक और फॉर्मूला बोल के दिखाओ, चलो इसका क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे इसका? ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा बाय डी थीटा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? इन्हें कब लगाना है? जब बॉडी रोटेट कर रही हो, रोटेशन में होगी। और इसे कब लगाना है? जब बॉडी लीनियर मोशन चल रही हो, यानी सीधी रेखी गति में चल रही होगी। अगर हम इस पर एक छोटे से सवाल की अगर हम बात कर लें, जिस पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, सबसे पहले बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया ये? Yes, sir. अगर इसमें हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर हम इसमें बात करें एंगल की यूनिट क्या होती है, कोण की मात्रक क्या होता है यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी विस्थापन यूनिट की बात करेंगे इसको मेजर करते हैं हम लोग हमेशा रेडियन में। किसे मेजर करते हैं? रेडियन में। तो कोणीय वेग की यूनिट क्या होगी बोलो? इसकी क्या यूनिट होगी? रेडियन। और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। और त्वरण की यूनिट क्या होगी फिर? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस मीटर की जगह यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं हम लोग, रेडियन लिख देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हो गया यहाँ तक? yes, ये फॉर्मूले नोट कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले इन फॉर्मूले के बेस पे। सबसे आसान है अगर मैं आपसे लिख दूं थीटा बराबर लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और मैं आपसे सिंपल से पूछ रहा हूँ आपको ओमेगा बताना है और अल्फा बताना है एट टी इक्वल टू वन सेकेंड पे, एट टी इक्वल टू वन सेकेंड पे आपको ओमेगा और अल्फा दोनों बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो हम ओमेगा बराबर क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अभी फॉर्मूला बताया तो मैंने, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी होता है। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे? टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4t प्लस 1। सिंपल से डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन हमसे ओमेगा पूछा गया है t इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो t की जगह 1 रख दो, तो ओमेगा बराबर कितना आएगा बेटा? 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा यहाँ से? 5। यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? इसका आंसर आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। एक और फॉर्मूला, लेकिन हमसे एक और चीज पूछी गई क्वेश्चन में अल्फा, तो इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, तो अल्फा कितना आ जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी आएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करो कितना आ गया? 4। लेकिन कितने सेकंड पूछा गया? 1 सेकंड पे। इसका मतलब ये होता है टाइम कुछ भी होता रहे हमेशा अल्फा क्या रहेगा? 4 रहेगा। बस समझ में आता है? इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एक समान कोणीय त्वरण। इसकी यूनिट आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस सवाल को नोट करिए। हाँ बेटा बोलिए। अल्फा इक्वल टू 4 कैसे आया? देखिए अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी होता है। आप 4t प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। और t का तो 1 हो गया, तो 4 आ गया सिर्फ। हो गया बेटा? yes, sir. चलो
देखिए ध्यान से, अब सब दो मिनट सारे बच्चे ऊपर देखिए। जब लीनियर मोशन करते हैं, जब रैखिक गति करते हैं हम लोग, तो कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं जो बचपन में याद किए थे? याद करो, स्कूल में सिखाया गया था, v बराबर यू प्लस, दूसरा फॉर्मूला क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ, तीसरा फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था। चौथा फॉर्मूला क्या था? sn बराबर सबसे पहले क्या, फिर आई बात समझ में? ये तब लगाते जब रैखिक गति हो रहा होता है। अब बात करेंगे अगर कोई बॉडी चक्कर लगा रही है, रोटेशन कर रही है, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखो v का नाम क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो v की जगह लिखेंगे ओमेगा, v की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा। v का नाम क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ओमेगा का नाम है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का नाम क्या है? क्या है यहाँ पे? u का नाम क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट। तो इसका नाम क्या होगा? इनिशियल एंगुलर, ठीक है। यहाँ पे a का नाम क्या होता है? लीनियर एक्सीलरेशन। क्या होता है? तो यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा का नाम क्या होता है? बस समझ में आता है? टाइम तो सबके लिए समान है। चलो पहला फॉर्मूला बोल के दिखाओ, पहला फॉर्मूला बोल के जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले क्या, फिर इक्वल टू, फिर आ गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बोलो। चलो s बराबर, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट होता तो s लिखते हम लोग, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या लिखते हैं? थीटा। चलो अब बोलो दूसरा फॉर्मूला। चलो थीटा फिर इक्वल टू फिर आ गया। तीसरा फॉर्मूला बोलो। चलो पहले फिर आ गया। ये बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ। बोलो सबसे पहले क्या, फिर टू एन माइनस आगे। बात समझ में? ये कब लगाना है? जब रोटेशन कर रहा हो, घूर्णन कर रहा हो, ठीक है। और ये फॉर्मूले कब लगाते हैं? जब रैखिक गति कर रहे हो। क्लियर हुआ? जैसे हमारे सर के ऊपर ये पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ठीक है। इस समय रुका हुआ है, तो इसका कोणीय वेग कितना है? जीरो। कोणीय वेग कितना है? जीरो। अब मेरी बात समझना, अगर मैं यही पंखा स्विच ऑन करा दूं और ये पंखा चलने लग जाएगा तो सबसे अल्फा आ जाएगा। अगर मैं आपसे अभी ओमेगा नॉट कितना है? जीरो है, जीरो है ना। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं इसी फैन की बात करूं, ठीक है, और इस समय पंखा बंद है, तो इसका मतलब उसका एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? जीरो। जीरो क्या, यूनिट क्या, यूनिट क्या होगी? रेडियन पर, रेडियन पर सेकंड होगा। बात समझ में आता है? अगर मैं आपसे कह दूं जैसे स्विच ऑन होता है तो इसके अंदर जो कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है। 3 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी, क्या कोणीय वेग होगा बताओ? 3 सेकंड के बाद इसका कोणीय वेग कितना होगा? 3 सेकंड के बाद कोणीय वेग पूछ रहा है। पहला फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो बेटा ओमेगा नॉट कितना है? जीरो। अल्फा कितना है? 2 और t कितना है? 3। तो ओमेगा बराबर कितना आएगा बेटा? 0 प्लस 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? अगर मैं पूछ लेता 5 सेकंड के बाद होता तो क्या होते? 5 सेकंड के बाद क्या? 5 सेकंड के बाद क्या आ गया? समझ गए? t की जगह क्या लिखते? 5 लिख देते और अल्फा में कितना दे रखा है? 2। तो 5 2 जा 10। 10 सेकंड के बाद 20 रेडियन पर सेकंड। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो इसे नोट करो जल्दी से। हो गया? देखिए ऐसा तो हमेशा ही होता है कि जब तुम स्विच ऑन कर दोगे तो पंखा चलने लग जाएगा, जब तुम स्विच ऑफ करोगे तो पंखा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे कर दें पंखा 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद रुक गया,
5 सेकंड के बाद रुक गया, बताओ अल्फा क्या होगा? अगर पंखा 10 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है और 5 सेकंड के बाद पंखा रुक गया ना, तो ओमेगा कितना हो गया? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। और ओमेगा नॉट कितना दिया? 10। चलो यही फॉर्मूला लगा देंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर वो 10 सेकंड के बाद रुक गया, ठीक है, और ये हमारे मान लेते हैं हम 20 रेडियन पर सेकंड चला तो रुक जाएगा, तो ओमेगा कितना हो गया? जीरो। ये 20 से चल रहा है और 10 सेकंड के बाद रुकना है तो 10 अल्फा हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? माइनस ट्वेंटी बराबर कितना हो गया? 10 अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया? -20/10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हमारा लीनियर मोशन में रिटार्डेशन होता है, वैसे हमारा एंगुलर में भी रिटार्डेशन होता है। देखो घट रहा है ना, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटती चली जाएगी और आखिरी में पंखा रुक जाएगा। क्या बात समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? तो ये मेरे बताने का मतलब ये है कि जैसे फॉर्मूले तुम उसमें लगाते थे, वैसे ही सारे फॉर्मूले हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन का वो पार्ट, वो थ्योरी वाला पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे उसको गलत करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई भी बॉडी फ्लैट रास्ते पे या सीधे पाथ पे गति करती है तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होता है, और जब भी कोई बॉडी किसी कर्व पे गति करती है, कर्व पे मोशन कर रही होती है, तो उसके पास दो एक्सीलरेशन होते हैं। अब दोनों एक्सीलरेशन को समझना है, हेडिंग है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्शी त्वरण, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन। इसे अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चों को इन दोनों में अंतर ही पता नहीं होता है। नॉर्मल एक्सीलरेशन मतलब अभिकेंद्र त्वरण। देखो ध्यान से, अब इसको मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, स्पर्शी त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रास्ता है, मैंने ये पाथ बना दिया, ये रास्ता बना दिया, नॉर्मल एक पाथ है, ठीक है। अगर नॉर्मल एक पाथ है, ठीक, ये एक बॉडी है हमारी, ये इस पाथ पे चल रही है, ये बॉडी हमारी इस पाथ पे चल रही है। अगर ये बॉडी हमारी इस पाथ पे चल रही है, ठीक है, और इस बॉडी पे मैं इस दिशा में एक फोर्स लगाना शुरू करता हूँ, इस दिशा में मैंने एक फोर्स लगाना शुरू किया, अगर इस दिशा में मैंने एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक थीटा एंगल ले लो, ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना आएगा? सुनो, ये कितना फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। ये एक पाथ है हमारा जैसे, ठीक है, ये बॉडी है हमारी, इस बॉडी पे मैंने इस दिशा में एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस बॉडी पे मैंने एक दिशा में फोर्स लगा दिया, तो इसको तुम थीटा एंगल ट्रेवल करा दो, ये एंगल थीटा लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लग जाएगा। तो जब अगर हाथ ऐसे करो, चलो ऐसे करो, ये एफ है, एफ को थीटा एंगल ट्रेवल कराएंगे कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा आएगा, ये कोण कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा, और बेटा ये वाला कोण कितना आएगा? इस कोण लगेगा एफ साइन थीटा पर। तो एक चीज बताओ मेरे को, एफ कॉस थीटा उसके टेंजेंट जैसा लग रहा है कि नॉर्मल जैसा लग रहा है? एफ कॉस थीटा उसके टेंजेंट जैसा लग रहा है, एफ कॉस थीटा क्या लग रहा है? उसके टेंजेंट जैसा लग रहा है, और उसके नॉर्मल कौन सा बल लग रहा है? एफ साइन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बल उसके टेंजेंट के अलोंग मतलब उसके स्पर्श रेखा के अलोंग लगता है, वो उस बॉडी का सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और जो भी बल उस बॉडी के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की दिशा में लगता है, वो उस बॉडी की दिशा को बदलता है। अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो दिशा भी बदलेगी और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, दोनों बदलेंगे, तो दिशा को बदलने की जिम्मेदारी किसके लिए है? एफ साइन थीटा। और मैग्नीट्यूड बदलने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एफ कॉस थीटा है वो चेंज करता है मैग्नीट्यूड को, यानी परिमाण को, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा एफ साइन थीटा है वो चेंज करता है डायरेक्शन को, दिशा को, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करता है।
तो अगर देखो, अगर f cos थीटा और f sin थीटा पे ये अंतर है, तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब स्पर्शी त्वरण की बात करनी है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार है बराबर m होता है। तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करनी, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब at किसकी वजह से हो रहा है, f cos थीटा की वजह से, तो f बराबर m a, तो a बराबर क्या होता है, f / m। तो बेटा at बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, f cos थीटा / m। ये बात समझ में आया? और ये किसको चेंज करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है बेटा, वो at बराबर होता है dv / dt। क्या बात समझ में आता है? at बराबर क्या होता है यहां पे, dv / dt। इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। और नॉर्मल एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, मैं अभिकेंद्र त्वरण की अगर मैं बात कर दूं, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन हमारा किस पे निर्भर करता है, f sin थीटा पे। f sin थीटा पे निर्भर है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार an बराबर कितना होगा बेटा, f sin थीटा / m। ये सिर्फ क्या चेंज करेगा, दिशा। सिर्फ किसको, डायरेक्शन को चेंज करेगा, दिशा पे। क्या बात समझ में आती है, यहां तक क्लियर हुआ? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बदल सकता है, दिशा, परिमाण कि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बदल सकता है, दिशा को, परिमाण को कि दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को। और नॉर्मल एक्सीलरेशन किसको चेंज करता है, सिर्फ दिशा को। इसका परिमाण से कोई लेना देना नहीं है, और इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे अगली लाइन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो डिपेंड करता है सिर्फ चेंज इन मैग्नीट्यूड को, डिपेंड इन चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड को, ठीक है, परिमाण को परिवर्तित करता है, चेंज करता है। at बराबर dv / dt होता है, ठीक है। और ये किसको बदलता है, ये हमारा दिशा को, दिशा को चेंज करता है, दिशा को परिवर्तित करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे रोटेशन तक का सबसे बेसिक पार्ट है ये। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. क्या बात समझ में आ गया? Yes, sir. तो जब भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात आएगी, तो दोनों पे ये निर्भर करता है। अब दूसरी बात, टेंजेंट एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन में अगर मैं एंगल की बात करूं, तो टेंजेंट एक्सीलरेशन तो उसके पर इसे चल रहा है, तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री। और उस बॉडी पे नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। तो दोनों में एक बात का अंतर और होता है कि ये 0 डिग्री पे रहता है, और ये हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। ये कहां पे ऐड करता है, 0 डिग्री पर, और ये कहां पे ऐड करता है, 90 डिग्री पे। क्या क्लियर हुआ? अगर एक बॉडी में, मेरे दोस्त सुनो, अगर एक बॉडी में टेंजेंट एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है और नॉर्मल एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहां होगा, इधर। चलो बना के दिखाता हूं मैं। टेंजेंट एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है at, और नॉर्मल एक्सीलरेशन कैसे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है इसके, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है हमारा, तो डायरेक्शन ये आएगी, ये रिजल्टेंट होगा। तो दोनों, और टेंजेंट एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन के बीच में एंगल हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि टेंजेंट एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन के बीच का जो कोण होता है, यानी एंगल होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर मैं इसे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हमने a को मान लिया है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर प्लस 2an cos 90। और cos 90 का मान बेटा क्या होता है, जीरो। cos 90 का मान अगर जीरो होता है, तो टर्म जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्या दोनों में अंतर क्लियर हुआ? टेंजेंट एक्सीलरेशन किसे कहते हैं और नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सिर्फ दिशा को चेंज करने का काम आता है, और टेंजेंट एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम आता है। और टेंजेंट एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आपसे टोटल एक्सीलरेशन की बात होगी, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा बेटा, वो आता है ए बराबर अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। आ गया, जल्दी से नोट करो इसे। हाँ बेटा बोलिए, कौन सा बेटा, थीटा वाला। जैसे कोण हमने ये बनाया है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने कोण ये बनाया है, ये हमने फोर्स यहाँ पे लगा दिया, तो हमने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल लिया, यहाँ पे थीटा लिया है। तो एफ को थीटा एंगल ट्रेवल करा देंगे, कितना आ जाएगा, f cos थीटा। उसके बगल वाला क्या आ जाएगा, f sin थीटा। तो f cos थीटा पूरा का पूरा उसके टेंजेंट पे आ गया, और f sin थीटा पूरा का पूरा उसके परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइएगा।
हो गया? Yes, sir. तो देखो बेसिक बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर फिजिक्स को अच्छे से कमांड करनी है तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम जितने फॉर्मूले उसमें लगा रहे होते हैं वो बनते कैसे हैं, वो फॉर्मूले पैदा कैसे हुए, अगर वो हमें पता चल जाए तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स का आसान हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक वृत्त है, कोई भी एक सर्किल है, बहुत बेसिक से कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए ये कण है, ये कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, कोई चिंता वाली बात नहीं भैया, आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कोई ना कोई ये चाप ट्रैवल किया, आर्क लेंथ ट्रैवल किया, इस आर्क लेंथ को तुम कुछ मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत? त्रिज्या तो फिक्स होगी ना? यस। त्रिज्या तो बदल नहीं पाओगे तुम, त्रिज्या फिक्स होगी, ठीक है। ये हमारा थीटा है, हमने कक्षा 9 या 10 में हमने पढ़ रखा है एंगल की परिभाषा क्या होती है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। उसका सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर। तो बेटा यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स बराबर आर इंटू थीटा, सही है? टाइम के स्पेस में जरा डिफरेंशिएट करो इसे, अगर इसे टाइम के स्पेस में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे डी बाई डी टी इंटू एक्स बराबर डी बाई डी टी इंटू आर इंटू थीटा। अच्छा आर तो कांस्टेंट है ना, थीटा वेरी करता चला जाएगा, थीटा वेरिएबल हुआ तो आर को आप बाहर कर लोगे तो डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? आर इंटू डी थीटा बाय डी टी। मुझे बताओ डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, आर फिक्स है, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? क्या होता है? ओमेगा। ये रिलेशन आया वी बराबर आई, बात समझ में? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, वी बराबर आर ओमेगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? डी वी बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी इंटू आर ओमेगा। क्लियर हुआ? आर को बाहर कर लो तो डी वी बाई डी टी बराबर कितना हो गया? आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर है? तो डी वी बाई डी टी क्या होता है भैया? ए होता है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? तो ए बराबर क्या हो गया? ये कौन सा एक्सीलरेशन है? लीनियर एक्सीलरेशन है। हम कोण में बात कर रहे हैं इस समय, तो इसको हम बात करें, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट एक्सीलरेशन। क्या बन जाएगा? टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट एक्सीलरेशन क्यों आया? ये टेंजेंट एक्सीलरेशन किससे मिल रहा है? डी वी बाय डी टी। और मैंने अभी बताया था कि टेंजेंट एक्सीलरेशन ही सिर्फ क्या चेंज करता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंजेंट एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आया? तो ए टी बराबर क्या हो गया? आर अल्फा। नोट करिए जल्दी से इसको, v बराबर r ओमेगा और a बराबर r अल्फा। और जो a बराबर r अल्फा में जो टेंजेंट एक्सीलरेशन होता है, जो a होता है उसी को टेंजेंट एक्सीलरेशन कहते हैं। ये नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं है, ये टेंजेंट एक्सीलरेशन है। हो गया ये? यस सर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर इतनी बेसिक चीजें अगर हमें पता है, अब देखो आपके पेपर के क्वेश्चन कैसे आसानी से होते हैं। आपके पेपर का एक सवाल पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति लिखा था, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखा था और हमसे पूछा गया था इसमें क्या शून्य होता है, इसमें क्या जीरो होता है, ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर जीरो होते हैं, और चार ऑप्शन लिखे थे, फैक्टर जीरो होते हैं। अब देखो कैसे बताएंगे। अच्छा इसके नाम को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी वी सेम रखा है इन्होंने, वेलोसिटी सेम कर दी। अगर तुम एक डायग्राम बनाओ अपने हिसाब से, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तुम किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम हो गई ना? Yes, yes. हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? सेम हो गई। अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो गई है तो मुझे बताओ क्या शून्य हो सकता है? सबसे पहली चीज, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्यों टेंजेंट एक्सीलरेशन जीरो होगा? क्योंकि ए टी बराबर क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है, और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा है तो टेंजेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आया? तुम क्या कभी इसके त्रिज्या जीरो करा पाओ? कभी त्रिज्या कभी जीरो नहीं करा पाओगे तुम। और मैंने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया, ए टी बराबर क्या होता है? आर अल्फा। तो ए टी बराबर अगर आर अल्फा है तो ए टी तो जीरो हो गया, तो जीरो बराबर आर अल्फा, तो अब क्या जीरो होगा? अल्फा। यानी जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा याद रखना ये दो फैक्टर जीरो होते हैं,
एक टेंजेंट एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी स्पर्शी त्वरण और कोणीय त्वरण हमेशा कितने रहते हैं? जीरो रहते हैं। अगर यहाँ पे टेंजेंट एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कौन सा एक्सेलरेशन बचा हुआ है? कौन सा बचा हुआ है? नॉर्मल बचा हुआ है, जो उसके हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है, तभी तो नाम उसका भी केंद्रीय त्वरण रखा हुआ है। तो यानी एक बात याद रखेंगे आप, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो हमारा टेंजेंट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन की वजह से चल रहा होता है। वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चल इसे नोट कर लीजिए बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते बेटा अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।